हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता फिर से एक नई वीडियो के साथ, और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एमवे में सितंबर मंथ में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और उसमें एक औसम जो प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी पुराना है, जिसको एकदम नए ढंग से एमवे ने लॉन्च किया है, और वो बहुत ही औसम प्रोडक्ट है। जिन्होंने इसको यूज़ किया है पहले वाले प्रोडक्ट को भी, जिन्होंने नए वाले प्रोडक्ट को भी यूज़ किया है, उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है सभी लोगों को। और मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है एमवे का न्यूट्रीलाइट डेली प्लस, और ये वो प्रोडक्ट है। आप ये देख सक रहे हो न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस, इसके नाम से देखिए पता चल रहा है डेली को जाना ही जाता है न्यूट्रीलाइट में, बहुत ही औसम ब्रांड के नाम से। और ये जो ब्रांड है डेली, सबको जानते होंगे जिन्होंने इसको यूज़ किया है, इसके बहुत बेनिफिट मिले होंगे। और डेली प्लस की मैं क्या बात करूँ, ये प्रोडक्ट बहुत ही औसम है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डेली को इतना प्लस क्यों बनाया गया, कि इसका नेम भी चेंज कर दिया गया डेली प्लस, और इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए और कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, इस वीडियो में बहुत कुछ है। न्यूट्रीलाइट को जाना ही जाता है अपने सप्लीमेंट के लिए, सप्लीमेंट जो कि हमारे जो हेल्थ में जो चैलेंजेस आते हैं। देखिए सप्लीमेंट आखिर क्यों यूज़ करें, हम जो खाना पीना खाते हैं, हमारी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें जो हम खाना खाते हैं तो हमें मिलता क्या है। और ये सभी जानते हैं कि आज जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस बोल लीजिए, या हमारा जो पानी बोल लीजिए, हमारा जो हवा बोल लीजिए, या जो हम खा रहे हैं चाहे सब्जियां चाहे अनाज, उसमें हमें क्या मिलता है ये सभी जानते हैं। तो उस गैप को पूरा करने के लिए न्यूट्रीलाइट ने बहुत ही औसम औसम ब्रांड जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, कि आपकी अगर सर्टेन कुछ रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी में तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाता आ रहा है। तो न्यूट्रीलाइट ने डेली प्लस को आखिर लॉन्च क्यों किया, पहले भी हमारे पास डेली था जो कि विटामिन मिनरल से भरपूर था, लेकिन अभी क्यों उसको प्लस करने की ज़रूरत आ गई। देखिए समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ज़रूरी होता है, तो हमारे शरीर भी बहुत सारे बदलाव उसको झेलता है, तो इस हिसाब से न्यूट्रीलाइट ने डेली को प्लस बना करके भेजा। और डेली को लोग मानते ही हैं, डेली को लोग जानते ही हैं अपने विटामिन मिनरल्स के लिए, क्योंकि इसमें पहले भी जो हमारे 24 जो इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उसको लेकर के ये बन रहा था। लेकिन अब प्लस आया है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लस होकर के आई हैं, और क्या क्या चीज़ें प्लस होकर के आई हैं इस पर ज़रूर जानेंगे हम। और आखिर डेली प्लस को क्यों यूज़ करना चाहिए, और इसमें प्लस है तो प्लस आखिर है क्या। देखिए सबसे पहले चीज़ है शरीर की देखभाल, तो हम लोग सब कर ही रहे हैं, विटामिन मिनरल्स डेली में था ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो इम्यूनिटी बूस्टर, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ वो है हमारा मेंटल स्ट्रेस, तो इसको लेकर के ही डेली प्लस को बनाया गया है स्पेशली। देखिए चीज़ों को हम अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, अपने शरीर को सब कुछ दे रहे हैं, विटामिन मिनरल्स बोल लीजिए, कैल्शियम बोल लीजिए, आयरन बोल लीजिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, और मेंटल स्ट्रेस से हर कोई परेशान रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, यहाँ तक कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी आजकल मेंटल स्ट्रेस से परेशान रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए ही डेली को प्लस बनाया गया। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे जीने का जो तरीका है वो बहुत सारा चीज़ें जो है वो नई हो गई हैं, तो उस नई चीज़ों में नई चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए डेली को प्लस किया गया। तो डेली में मैं बताना चाहूँगी कि पहले वाले डेली और अभी के डेली में क्या डिफरेंट आया हुआ है, क्या चीज़ें प्लस होकर के आई हैं, इसको भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। जैसे हमारे पास जो पहले जो न्यूट्रीलाइट डेली था उसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 24 विटामिन और मिनरल्स थे, ठीक है, और अभी भी हैं, लेकिन उसकी जो क्वान्टिटी है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है। तो कैसे बढ़ाया गया, जो 24 जरूर विटामिन मिनरल्स है जिसमें 14 अधिक मात्रा में डेली प्लस में उपलब्ध है। जैसे अगर मैं बताऊं कि 14 विटामिन मिनरल कौन है जिनकी मात्राएं को बढ़ाया गया है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समय के हिसाब से इसको बढ़ाया गया है। तो जैसे आयरन है, पहले वाले जो हमारे डेली में था वो 7 mg था, और अभी इसको 19 mg किया गया है। और विटामिन जो B12 था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ में, ये हमें खाने पीने से बहुत ही कम मिलता है, और ना ही हम अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये पहले हमारे पास जो पहले जो डेली था वो वहाँ था 1 mcg, लेकिन अब क्या है 2.2 mcg इसमें अवेलेबल है। और मैग्नीज 2 mg था, लेकिन अब हमारे डेली प्लस में 4 mg है। विटामिन सी जिसको माना ही जाता है इम्यूनिटी बूस्टर, ये डेली में पहले था 40 mg, लेकिन अभी जो डेली प्लस में है वो 65 mg है। बायोटीन की भी मात्रा को बढ़ाया गया है 25 mcg से,
35 mcg किया गया, फास्फोरस को 45 mg से 75 mg किया गया, विटामिन B2 को 1.1 mg से 1.9 mg किया गया है, क्रोमियम 33 mcg था, अब 50 mcg है, विटामिन डी को भी बढ़ाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बोन्स को अच्छा रखने के लिए। तो यहाँ पर पहले डेली में था 10 mcg, लेकिन अब जो हमारे जो डेली प्लस में है ये 15 mcg है। जिंक जिसको माना ही जाता है इम्यूनिटी के लिए, और जिंक को लोगों ने जाना जब कोविड आया तब, नहीं तो जिंक को बहुत कम लोग जानते थे, तो जिंक को भी बढ़ाया गया है डेली प्लस में। पहले 10 mg था, लेकिन अब जो है 13.2 mg है डेली प्लस में। कॉपर को भी बढ़ाया गया है, 1.35 mg था पहले, अब 1.7 mg है। डाइट्री फॉलेट जो कि हमारी लेडीज़ के अगर हेल्थ में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसको भी बढ़ाया गया है, 200 mcg था पहले, अब 220 mcg है। विटामिन B1 0.9 mg था और अब 1.4 mg है। विटामिन ए जो पहले हमारे डेली में था वो 600 mcg था, लेकिन अब जो है वो 840 mcg है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो 14 अधिक मात्रा में जो हमारे जो विटामिन और मिनरल्स है जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो कि इस ढंग से उसको बढ़ाया गया है ताकि हमारे जो हम जो डेली प्लस अभी लें तो ये हमें प्लस करके इतने सारे विटामिन मिनरल्स, जो 14 विटामिन मिनरल्स से हमारी बॉडी में जाए। अब इतने सारे विटामिन मिनरल्स की तो मैंने बात कर ली कि आखिर डेली को प्लस क्यों बनाया गया, लेकिन अब ये मैं बात करूंगी कि आखिर डेली जो प्लस है ये किन किन चीज़ों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, और आखिर क्या चीज़ें जो है जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि डेली को और भी ज़्यादा प्लस बना देते हैं। देखिए पहले भी डेली हमारे पास था जो कि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, और ये जो डेली प्लस है ये भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप बहुत कुछ को ले लो, चाहे आप आई हेल्थ को ले लो, आप हार्ट हेल्थ को ले लो, आप बोन्स हेल्थ को ले लो, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आंखों की सुरक्षा भी दे रहा है क्योंकि विटामिन ए, और ये आपको मैंने बताया ही कि ये इसमें है। हड्डियों की सुरक्षा दे रहा है, हमारे ब्लड को अच्छा बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। आप एनर्जी बूस्टर भी बोल सकते हो डेली को, तो ये डेली प्लस भी हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है। हमारे त्वचा और बालों को भी स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ये अच्छा बनाता है। हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखता है। और अगर आप सही में चाहते हो ओवरऑल एक अच्छा हेल्थ, कि हाँ हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा रहे, तो डेली प्लस को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसमें जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही मेन करके दिया हुआ है, अब मैं उस पर भी बात करूँगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वाले डेली तो भाई ये सब सारे काम कर रहा था, लेकिन इसको दो खूबियों के साथ में और भी ज़्यादा प्लस किया गया है। वो दो खूबियाँ क्या है, तो दो खूबियों में मैं बता दे रही हूँ कि सबसे पहले स्ट्रेस लेवल। देखिए स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है आज के ज़माने में, और इसको कम करना हर कोई चाहता है लेकिन ये होता नहीं है, और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे अच्छे खासे हेल्थ पर। हम चाहकर भी इसको कम नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा यूज़ करें, हम अपने इंटरनल में कुछ इस तरह की चीज़ों को दें कि स्ट्रेस तो भाई कम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उस स्ट्रेस से जो हमारे हेल्थ के जो इश्यू हो रहे हैं इंटरनली, उससे हमें ज़रूर लाभ होगा ये डेली प्लस लेने पर। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया हर्ब दिया हुआ है जो कि है गोटाकोल, जो कि माना ही जाता है स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि काफ़ी प्लस करके बनाया गया है इस डेली प्लस को। और इसके साथ में इसमें और भी दो चीज़ें दी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें जो और जो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें एस्ट्रोला चेरी तो सभी जानते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हमारे पास है इसमें एल्डरबेरी और पर्पल कैरेट। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी जो इम्यूनिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये चार जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ये दिए हुए हैं जो कि मेन है इस डेली प्लस में। और भी एक खूबी है जो कि डेली प्लस को बहुत ही ज़्यादा अनोखा बना देता है अपने पुराने डेली से, क्योंकि ये जो है एक्सटेंड रिलीज के साथ में आ रहा है। ये एक फार्मूले के साथ में आ रहा है जो कि है DLDR फार्मूला। DLDR जो फार्मूला है ये बहुत ही औसम फार्मूला है डेली प्लस में, मतलब ड्यूल लेयर ड्यूल रिलीज, मतलब आपको एक टैबलेट में दो लेयर्स मिलेंगे, और ये दो लेयर्स का बहुत ही अनोखा संगम है, जो कि ये संगम जब हमारी बॉडी में जाता है तो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। वो किस तरह, क्योंकि इसके जो दो लेयर्स है, इसके पहला लेयर जो है वो 13 विटामिन्स और मिनरल्स से बना हुआ है जो कि लगभग एक घंटे के अंदर हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है, और इसका जो सेकंड लेयर जो है जो कि 11 विटामिन से मिलकर के बना हुआ है, जो हमारी बॉडी में एक्सटेंड होता है कम से कम 6 घंटे के लिए।
और ये 6 घंटों में हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें बना रहा है न्यूट्रीलाइट, सोच के देखिए कितनी अच्छी बात है, जो कि हमारे हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जो फार्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा अनोखा है, जो कि आपको डेली प्लस में मिल रहा है, एक्सटेंड रिलीज के साथ, 2 लेयर्स के साथ, इतना औसम प्रोडक्ट। कोटकुला जो है वो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है, हमारे जो दिमाग है उसको शांत करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे दिमाग को बहुत ही अच्छा चलाए रखने के लिए, ताकि आप काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में भटके नहीं। हमारे सतर्कता को सुधारता है ताकि हम सतर्क रहें। इन सब चीज़ों में गोटोकुला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है और ये बहुत ही मेन इन्ग्रीडियंस है जो कि एक हर्ब के रूप में जाना जाता है। ये इस डेली प्लस में यूज़ किया गया है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट, अब आप बताओ कि इतने अच्छे प्रोडक्ट की आखिर प्राइस रेंज कितनी रखी गई होगी और आपको इसको यूज़ कैसे करना है। जो भी 18 साल से ऊपर है इसको एक करके ले सकते हैं खाने के बाद, और ये बहुत ही औसम प्रोडक्ट है और सभी को लेना चाहिए। मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट है उनको भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, एक मेल फीमेल जो कि घर में भी रहते हैं या काम काज जो भी करते हैं ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वे में हमारे साथ काम करेगा। और अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 2 पैक में अवेलेबल है हमारे पास, एक 120 टैब में और एक 30 टैब के पैक में अवेलेबल है। और जो 120 का जो टैब है इसकी जो प्राइस रखी गई है वह है 2796। तो इसका अगर देखा जाए तो पर टैब के हिसाब से आपको 24 रुपये के लगभग पड़ेगा। तो क्या 24 रुपये भी आप अपनी बॉडी के लिए खर्च नहीं कर सकते डेली हिसाब से? अगर देखा जाए तो आप एक जूस जब पीने जाओगे, वो जूस की भी मैं गारंटी नहीं लूँगी कि उस जूस में आपको क्या मिलेगा, लेकिन अगर हाँ ये डेली प्लस आप यूज़ करोगे तो आपको ज़रूर ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इतने विटामिन मिनरल जो मैंने बताए वो आपको ज़रूर मिलेंगे इसके साथ में। और जो दूसरा जो पैक है इसका, जो 30 टैब्स का हमारे पास जो पैक आ रहा है उसकी अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो वो 849 है और 30 टैब है इसमें। तो इसमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको एक ओवरऑल एक अच्छा हेल्थ पाने के लिए। तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट अगर आप सही में यूज़ कर रहे हो तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि मुझे भी मिला है, तभी मैं जाकर के आज इसको वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स की जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के औसम प्रोडक्ट्स अगर लोगों तक पहुंचेंगे तो सही में मैं इतना बोलूँगी कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आपका प्यार हमेशा दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर मोटिवेट कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।